हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। हमारे स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद हारिस सुमेर, जो कि मोहम्मद नईमुद्दीन साहब के बेटे हैं, जिन्होंने यूपीएससी रैंक 270 सिक्योर किया। जी हाँ, ये बहुत गर्व की बात है। और वो गुलबर्गा शहर पहुंचे हुसैन पब्लिक स्कूल में। जी हाँ, हुसैन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इलियास सेठ, जो हमेशा से एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, सोशल सर्विस में काफ़ी आगे हैं। इलियास सेठ ने यह मौका देखा और हारिस सुमेर को इन्वाइट किया ताकि लोग उनसे इंस्पायर हों, ताकि स्टूडेंट उनसे इंस्पायर हों, ताकि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी यूपीएससी भी एक ऐसी स्ट्रीम है जहां पर नौजवान अपने एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और हारिस सुमेर जैसे लोगों के साथ मिलकर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये वर्कशॉप कम सेमिनार और फेलिसिटेशन प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं इस मौके पर हारिस सुमेर और इलियास सेठ और जो गेस्ट वहाँ पर मौजूद थे उनका क्या कहना। हमेशा अपनी सोच भी आप सब रखें, बड़े सपने देखें। तो एक मैं कोड शेयर करना चाहूँगा जो कि हिंदी में है, इससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। क्या आप लोग भी सपने देखते हैं? Yes. Yes. छोटे या बड़े? तो हाँ, हमेशा जब भी आप सपने देखें, बड़े सपने देखें, ड्रीम बिग, ऑलवेज ड्रीम बिग। अगर आप स्टार्स के बारे में सोचते हैं तो कम से कम चांद तक तो पहुंच जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप अपने सपने सोचें, बड़े सपने सोचें। अगर आपकी सोच ही छोटी होगी तो आपको सक्सेस भी छोटी मिलेगी। इसलिए हमेशा बड़े सपने सोचें। यहाँ पे रहते हुए सोचें कि आप एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने के बारे में ना सोचें। Not an easy job. One needs to be dedicated and passionate to clear the civil services. In 2020, a total of 761 candidates have been cleared the competitive exams for appointment in the bureaucracy of the country. Out of 761, 25 Muslim candidates have also been appointed for bureaucracy. Mohammad Haris Mehsar from Karnataka's Bidar district has secured All India rank in the UPSC. He is a classic example and inspirational to all who aspire to be like him. It's a dream of every parent and child to crack civil services. But lack of guidance and proper knowledge disheartens many. Today, knowing the struggle of Mr. Sumer, his routine, his study hours, his struggles, his motivational levels, his journey is definitely going to inspire us today. We thank Janab Ilyas sir for having him among us. Ilyas sir and Hussain Public School has always aimed to giving best to the children, be it in terms of education, developing new ideas, bringing up the children to the international standards, or be it in terms of motivation. One such motivational session we are going to have today from Mr. Haris Sumer sir, who cracked civil services at such a young age and secured 270 rank at All India level. स्टेज पे मौजूद जनाब इलियास सेठ बाबा साहब, तमाम मेरे टीम मेंबर्स, सबसे पहले मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। हमारे बीच नईमुद्दीन साहब है, जो कि हारिस सर के वालिद साहब है,
मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि इनके बड़े बेटे जनाब नईमुद्दीन साहब ने एक साल पहले यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया था जो कि केरला में आज आईपीएससी के पोस्ट पर ड्रॉप कर गए। हारिस साहब उनके दूसरे बेटे हैं तो ये एक वालिद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था व्हाट इज सक्सेस व्हेन योर सिग्नेचर चेंज इन ऑटोग्राफ। इससे बड़ी सक्सेस मैं ये समझता कि मिल सकती है एक शेर के साथ। मैं मोहम्मद हारिस उमर साहब को दावत देना चाहता हूं कि नहीं तेरा नशेमन किसने सुल्तानी की गुंबज पर तू शाही में बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सबूर साहब शहनाज खान साहब दीगर जिम्मेदार और स्टूडेंट्स स्टाफ मेंबर्स और जो पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और सामईन और इकराम आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे देखते हुए मुझे फिर खुशी हुई और एक बात देख के और एक खुशी हुई कि यहाँ पे वुमेन गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है लड़कों से, तो ये भी देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरा खानदान पढ़ लेता है, एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है। तो कहा जाता है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं, वुमेन लेड एम्पावरमेंट की जरूरत है, तो वो मुझे यहाँ पे देख के काफ़ी खुशी हुई। सबसे पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर करती थी बड़े सपने देखने के बारे में। हमेशा अपनी सोच भी आप जब रखें बड़े सपने देखें, तो एक मैं कोट शेयर करना चाहूँगा जो कि हिंदी में है, इससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी। आपका कोई डेली टाइम टेबल था जो फॉलो करते थे? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपने टाइम टेबल और शेड्यूल के बारे में पूछा है। जी हाँ बिल्कुल, मेरा डेली टाइम टेबल होता था, बस डेली के अलावा मैं वीकली टाइम टेबल भी बनाता था कि वीकली क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, मंथली क्या क्या टारगेट्स रखने हैं, और डेली भी टाइम टेबल बनाता था। तो उसके अंदर पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ सबके लिए डिसिप्लिनेड टाइम होता था, और साथ में डिसिप्लिनेड वे में अपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको रिस्पेक्ट करता था, उसके टारगेट्स को रिस्पेक्ट करता था, और उसी तरह से रिविजन भी बहुत आसानी से हो जाता था। अगर आप बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ाई करेंगे तो रिविजन भी बहुत मुश्किल होता है, तो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे तो पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाता है और प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप ही जरूर स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाए टेंथ में भी नाइन्थ में भी। मैंने अपनी स्पीच में शेयर नहीं की थी कि डिग्री करने के बाद आपको आईएएस के लिए कोई भी डिग्री चाहिए, कोई भी अगर आपके पास डिग्री आ गई उसके बाद की आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली थी, आपको पैसे कोचिंग वगैरह में लाखों रुपए डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल आप सबके पास इंटरनेट होता है, यूट्यूब होता है, आपको जो भी चीज़ पढ़नी है ज्योग्राफी हो फिजिक्स हो इकोनॉमी हो कोई भी चीज़ पढ़नी हो आप इंटरनेट पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो पैसों से ज़्यादा मोरल विल की ज़्यादा ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी एक और एक चीज़ जो मैं शेयर करना भूल गया था, इस एग्ज़ाम को आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, कन्नड़ा में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो वो भी एक बैरियर नहीं है आपके लिए। अपने आप को कैसे चेक करते थे कि आप इतना परफेक्ट कर चुके हैं या फिर आप इतना नहीं परफेक्ट कर चुके हैं, मतलब आपने ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक बोला जाता है कि इफ यू कैन नॉट मेजर समथिंग देन यू कैन नॉट इंप्रूव इट, तो अपना परफॉर्मेंस मेजर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेजरिंग नहीं किया तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं क्या करता था, रेगुलर टेस्ट लिखता था, मॉक टेस्ट लिखता था, रिटन वाले या प्रीलिम्स वाले जो टेस्ट होते थे मॉक टेस्ट सीरीज मैंने सब्सक्राइब कर रखी थी और मैं वो लिखता था। तो उसके टेस्ट के स्कोर के हिसाब से मुझे पता चल जाता था, अंदाजा हो जाता था कि मैं किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम लोग मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी भी किया करता, तो हम लोग साथ में बैठ के आंसर्स को सॉल्व करते थे, तो उससे पता चल जाता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कभी पता मैं अपने दोस्तों को सिखाता तो
I wanted to know what would you prefer, hard work or smart work, and why? I would prefer smart hard work. To have you here, your parents and all the dignitaries here, and thanks for that, and may Allah bless you always with success. And behind, as I say, in my workshops and all, teacher is a profession which creates other professions, right? So who is the teacher in your life? The ma'am has said a very important thing, that teacher is the person who creates other professions. So in my particular life, there was not one particular teacher who shaped me. It was a contribution of all my teachers from 1st to 10th. मुझे जो teachers मिले, बहुत अच्छे teachers मिले थे, तो उन्होंने मुझे continuously motivated करते थे. तो teachers, एक teacher मैं particularly point ही कर पाऊँगा, जिन्होंने मुझे motivate किया, मेरे सारे teachers ने मुझे motivate किया. Teacher profession के अलावा भी कई ऐसे people लोग होते हैं जो हमें चीजें सिखाते हैं. It might not be teachers, but they teach us very important lessons. तो उसमें मेरे बड़े भाई मोहम्मद अली और मेरे जो ब्रदर इन लॉज हैं फैसल भाई और जुबैर भाई, जो मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, they were my teachers. They were not educationists per se, but they taught me very important lessons. You are a group of teachers, I should say, but still I would like to know the most inspiring teacher in your life of school. Because my teachers are here, I want to motivate them. जी एक सर थे मेरे क्लास में मैथ्स के सर मधुसूदन सर का नाम था. सो वो मुझे क्या करते थे, सिक्स स्टैंडर्ड में था तो सिक्स स्टैंडर्ड की मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था तो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए वो सेवेंथ क्लास के प्रॉब्लम्स देते थे. सो ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए ऑलवेज मोटिवेट यू टू चैलेंज योरसेल्फ. तो मैं आप टीचर्स को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें एक्सेलेंस. उम्मीद है कि मैं जल्दी IAS के तौर पे ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा मसूरी में. और मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो बीदर में ही हुई है, फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक केंद्र विद्यालय स्कूल में. इंटरमीडिएट या PUC जिसे कहा जाता है, मैंने हैदराबाद से किया था, चैतन्या कॉलेज से, और फिर मैंने इंजीनियरिंग की रामैया कॉलेज बैंगलोर से. इसके बाद मैंने 6 महीना जॉब भी की इंटेल कंपनी में, बट मेरा पैशन सिविल सर्विसेज था और मेरे भैया नदीमुद्दीन IPS, उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर मैं भी सिविल सर्विस की लाइन में आ गया. और पिछले साल भैया IPS बन गए थे और इस बार मैं उम्मीद है IAS बन गया. तो ये तो सुनने में काफ़ी ब्रीफ सा लगता है, बट ये एग्ज़ाम काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि 10 लाख एप्लीकेशंस आते हैं, 8 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखते हैं, उसमें से 10,000 लोग मेंस एग्ज़ाम लिखते हैं, 10,000 में से सिर्फ 2,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उन 2,000 में से भी सिर्फ 750 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं. तो ये एग्ज़ाम काफ़ी चैलेंजिंग है, बट कोई भी चैलेंज को आप पूरा कर सकते हैं अगर आपकी सोच मुस्बत हो. मुस्बत मतलब होता है पॉजिटिव. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो आप कोई भी चैलेंज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, हार्डवर्क तो होता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. आप हार्डवर्क करते रहें, साथ में एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच रखें. जो उर्दू में वर्ड है मुस्बत, इससे ही मिलता जुलता एक और एक वर्ड है मुसीबत. मुसीबत का मतलब होता है प्रॉब्लम, मुस्बत का मतलब होता है पॉजिटिव सोच. तो अगर आप मुस्बत सोच रखें तो आप कोई भी मुसीबत को पार कर सकते हैं. तो उसी तरह से आप सर्विस खिदमत के बारे में सोचें कि आप किस तरह से समाज की सेवा कर सकते हैं. अगर आप समाज को सुधारेंगे तो आपका प्रदेश कर्नाटक आगे बढ़ेगा, और अगर कर्नाटक का प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र भारत आगे बढ़ेगा.
तो कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है आईएएस को देखे कि लाल बत्ती की कार मिलेगी, बहुत बड़ा बंगला मिलेगा या पावर मिलेगी, बट ये आपके मोटिवेशन नहीं होने चाहिए। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आखिरी वर्ड है सर्विस, जिसका तर्जुमा उर्दू में है खिदमत, हिंदी में सेवा। तो यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि आप किस तरह से समाज की सेवा या माशरे की खिदमत कर सकें, किस तरह से अपने राष्ट्र को आगे आप बढ़ा सकें। यही मोटिवेशन अगर होगा तो आपको सक्सेस मिलेगी और यही चीज़ आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहेगी। अगर आप गलत मोटिवेशन लेके आ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा कि ना, तो एक अच्छा मोटिवेशन लें जिस तरह से आप अपने देश को कंट्रीब्यूट करके आगे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। हमेशा जो भी आप फील्ड में जाएं, सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी फील्ड में आप जाएं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाएं, अपने अलावा अपने स्टेट को, अपने समाज को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके बारे में ज़रूर सोचें। और पहले स्पीकर ने जिक्र किया था फेलियर्स के बारे में कि फेलियर्स से बिल्कुल ना डरें, ये बिल्कुल सच बात है। फेलियर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग की तरह देखा जाएगा, क्योंकि फेलियर्स आपको लेसन सिखाती हैं, उससे बिल्कुल न डरें। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा जिनके मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए, आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट के हार्डवर्क डिसाइड करता है। तो हो सकता है आपको पहले फेलियर मिली होगी या कम मार्क्स आए होंगे, कोई परवाह नहीं, अगर आप अभी मेहनत करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपको आगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मेरा तो यही मैसेज था आप सबके लिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बहुत चैलेंजिंग होते हैं, या बनने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सर्विस में, या निकालना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है, बट अगर आपकी सोच और आपके हौसले बुलंद हो तो आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और इसी के ताल्लुक से एक शेर है जो मैं कोट करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएं बसपा, अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएं बसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तरह। जय हिंद जय मोहम्मद हारिस सुमेर। आज हम उन सब के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं और उनके वालिदैन को। ये आयत करीमा इस वक्त हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी कर रही है कि किस तरीके से जालिम मजलूमों के पीछे पड़ा हुआ है, हक बातिल, बातिल हक को दबाने के दर पर है और कमजोरों को ताकतवर किस तरह से दबा रहा है। कुरान ने कई हजार साल पहले इसकी तरफ रहनुमाई की है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया है कि जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कमजोरों को सताते हैं या हक वालों का हक मारते हैं या बातिल हक को दबाने की कोशिश करता है, एक नबी का तस्करा किया गया शुएब अलैहिस्सलाम है उस वक्त का जालिम बादशाह, और जालिम कौम उस नबी को उनके गांव से उनके वतन से निकालने की बात कर रही है और कुरान ने उसकी तरफ तस्करा किया है। मैं इस निस्बत से पूरी मिल्लत इस्लामिया को और हमारे मिल्लत इस्लामिया के दिलों की धड़कन आली जनाब हारिस सुमेर साहब को मैं कुरान के हवाले से ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि कुरान तमाम इंसानों की किताब है, कुरान तमाम इंसानों की किताब है, कुरान हिदायत की किताब है, कुरान हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है और कुरान इंसानों की कामयाबी और नजात की किताब है। और आज की तिलावत में पैगाम दिया गया कि जालिम कोई भी हो, ताकतवर कोई भी हो, ताकत अच्छी चीज है लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल अच्छी चीज नहीं है। कुरान ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है और अल्लाह देख रहा है कि जो जालिम कमजोरों को सता रहे हैं, मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है एक दिन वो अपने बुरे अंजाम को पहुंचने वाले हैं, एक दिन अपने बुरे अंजाम को पहुंचने वाले हैं। तो कुरान पूरी इंसानियत को ये मैसेज देता है, कुरान पूरी इंसानियत को ये मैसेज देता है, पैगाम देता है, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर सी है, इसमें जालिमों को अपने हाथ रोकना चाहिए, मजलूमों की फरियादों से बचना चाहिए और जो कमजोर हैं उनको जीने का हक देना चाहिए। के जितने भी यहाँ के बच्चे टेंथ पढ़कर गए हैं उसमें से 80% लोगों ने ग्रेजुएशन की है, जिसमें से कई हमारे नौजवान भाई इंजीनियर बने हैं। ये हुसैनी पब्लिक स्कूल की एक तारीख है, एक ताकत है। और जो एक घर में जो दो हमारे शेर
जो यूपीएस एग्जाम को क्रैक करे हैं, जो उनकी थ्योरी रही है, हम कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार फेल होते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार फेल होते हैं। तो उस फेल को इस तरीके से डिफेंड कीजिए, इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इसको अपने माइंड में बिठाकर एक स्पेशल आपके सामने आरिफ साहब मौजूद है, इसको लेकर एक अपना मुहिम बनाई है, एक एजेंडा बनाई है। जैसे कि इसी हुसैनी पब्लिक स्कूल की एक मेरी बहन फरजाना, जो कि इसी स्कूल में पढ़कर आज आप ही के एमएससी मिल में डॉक्टर बनकर एक हॉस्पिटल ओपन करी है, तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी गर्व की बात है। इंसान जो है ये सोने चांदी की कानों की तरह है। इस कौम मुस्लिम के अंदर बेशुमार सलाहियतों के हामिल अफराद मौजूद हैं। जिस तरह सोना और चांदी जमीन के तह में पड़ा हुआ होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब उस सोने और चांदी को निकालने की मेहनत होती है, तो वो सोना और चांदी जब जमीन के कानों से निकलता है और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, तो फिर मार्केट में उसकी कीमत लगती है। ऐसे ही कौम मुस्लिम के ये जो मेरे सामने बैठे हुए बच्चे और बच्चियां हैं, न जाने इसमें कितने हीरे और मोती और जवाहरात छुपे हुए हैं। अल्लाह ने अब आपको उस मकाम पर पहुंचाया है कि जहां पर पहुंच कर एक तो आप मुल्क की खिदमत करेंगे, दूसरी अपनी कौम के इन बच्चे और बच्चियों को प्रमोट करेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे जिस रास्ते पर चलकर आज अल्लाह ने आपको IAS ऑफिसर बनाया। हैदराबाद कर्नाटका के रीजन के अंदर एक हमारे अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नाम किया है, और उस चीज को आपको बताना है। स्कूल में ये प्रोग्राम रखने का मकसद यही है कि हमारे पास जो तलबा और तालिबात हैं, उनको आलिफ साहब को बताना है कि ये देखिए, ये मॉडल देखिए, आपको ऐसा बनना है। और मैं वो माँ बाप को भी रहना बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो तरबियत उन्होंने की है, और वो तरबियत हमारे जो बहने जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उनसे कहना चाहूंगा कि आप भी इसी तरीके से अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह शहर गुलबर्गा से और हुसैन पब्लिक स्कूल से हम भी यहाँ से जो है ना IAS ऑफिसर जो है ना बना सकते हैं। यही कहना। तो सबसे पहले इस मौके पे मैं आरिफ सुमेर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद कर्नाटक में बीदर डिस्ट्रिक्ट जैसे एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से तालीम हासिल करते हुए IAS में कामयाबी हासिल की है। और मैं चाहता हूँ वो अपने किताब में अपने एजुकेशन जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी, किस तरीके से IAS कोचिंग को लिया, किस तरीके से कामयाबी हासिल की, तफसील के साथ इन तमाम तलबा और टीचर्स के सामने रखें और हमारे सामने रखें, ताकि हम आने वाली नस्लों को यहाँ पे जो है ना तरगीब दे सकें कि हमको आज इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं होना है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम नहीं होंगे तो हमारे कौम की खिदमत हम नहीं कर सकते, ये हमारा तजुर्बा है। मैं 38 साल से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मगर हमको ये एहसास है कि बगैर एडमिनिस्ट्रेशन में आए हम कौम की खिदमत नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरीके से गुलबर्गे में कोचिंग सेंटर के जरिए IAS IPS बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। समझता के स्टूडेंट्स के लिए कोई बात मेरी तरफ से रह जाती है, मगर मैं जरूर पेरेंट्स से बात करूंगा, पेरेंट्स कुछ मशवरे मेरी अपनी तरफ से जरूर दूंगा, जिसकी वजह से आज मैं आपकी दावत पे यहाँ ठहरा हूँ। लोग कहते हैं फख्र से सीना ऊंचा होता है, बट मेरा सर अल्लाह के शुक्र से झुका हुआ। मैं आपसे खुशी शेयर करते हुए मैं उस परिंदे की मानिंद अपने आप को महसूस करता हूं जो ऊंचाई पे जाने के बाद भी उसकी चोंच नीचे की तरफ रहती है। इसमें एक राज पोशीदा है।
बहरहाल मेरे इस सफर की दास्तान जो मैंने मोहम्मद नदीमुद्दीन आईपीएस और मोहम्मद हारिस सुमैर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा ताकि पेरेंट्स को भी एक मोटिवेशंस मिले। इस सिलसिले में मैं और आप सब मिलके इलियास सेल का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाया और मेरे साथ आए हुए कोशिशों की वजह से उन्होंने टाइम यहाँ पे हासिल करने में कामयाबी हासिल कर। अगर मेरी छोटी सोच होती तो मैं तो 10 लाख रुपए सालाना का मालिक था, मगर जब बच्चे ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया मैंने होल हार्टेडली इनको परमिट किया। ये इंटेल कंपनी को रिजाइन किए उस वक्त इनको कहा जा रहा था इनका मैनेजर ये एक तरह से क्या कर रहे हो आप, अभी तो आए हो आप रिजाइन कर रहे हो, इतना बड़ा पैकेज किसको भी नहीं दिया जाता, मगर जिसके सामने एक विजन होता है तो वो उसको विजन को कामयाब हासिल करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आई कांग्रेचुलेशन टू दोज टू पर्सनालिटीज हु आर अमंग अस मदर एंड फादर ऑफ मोहम्मद हारिस Sumer, yes. I learned congratulations to Mr. Muhammad Harib Sumer, IAS, and his elder brother, Muhammad Nadeem, IPS. ये दो माँबाप बड़े धंधे हैं, इन्होंने दो अनमोल प्रॉपर्टियों को हमारे देश भारत को दिया। अनमोल प्रॉपर्टीज है ये देश को चलाएंगे। हमारे एक दोस्त रजनीश गोयल आईएएस कहते थे सज्जाद साहब आप तो 5 साल के लिए हैं एडमिनिस्ट्रेटर या हुक्मरान, हम 35 साल के लिए। तो मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूं हमारे हारिस सुमेर साहब को, आपने 35 या 40 साल का बेड़ा उठाया हिंदुस्तान की खिदमत करने का। मैं एक स्टूडेंट का फादर बात कर रहा हूं, मोहम्मद इमाम एक्सेल रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ, मेरे 3 बच्चे यहाँ पर हुसैन पब्लिक स्कूल से खड़े हुए हैं, एक बड़ा बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कड़ले के अंदर जो है लेडीज सिविल के काम करता है, सेकेंड बच्चा भी जो है वहाँ पर एमटीएस में है, और एक थर्ड बच्चा जो है यहीं का स्टूडेंट है जो एमटेक बी सब्जेक्ट का इंशाल्लाह उसका भी इरादा जो है कोचिंग करने का है, और जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट से जो शायद जो आईएएस और आईपीएस हुए हैं बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे भी कुछ होंगे बोल के इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे। बच्चों के सक्सेस में पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है, ये नईमुद्दीन साहब का बड़ापन है कि उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उनके साथ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में तकरीबन 8 साल हम लोग काम कर चुके हैं कि नईमुद्दीन साहब के बारे में मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ और मेरे बात ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले तो नईमुद्दीन साहब लेक्चरर थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो लेक्चरर के अलावा भी आप एनसीसी ऑफिसर थे जो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को एयरफोर्स स्टेशन बीदर में रिप्रेजेंट करता था। एक ही इसका सक्सेस का नाम है कि आपने अपनी वादा की तरफ मत की,
आप अभी भी बैठे हुए हैं, आप मेरे लिए तो ये सब नए नए है। मैं देखा हूँ भाभी भी बहुत खिदमत करते थे वालदा की, और जब तक वो दुनिया में रहे आप बहुत खिदमत अंजाम दिए, और जब उनके इंतकाल हुआ हम लोग साथ थे तो आखिर तक उन्होंने माँ की खिदमत किया है। शायद यही वजह है वो दुआ है कि आज ये दिन आपको बिल्कुल मिल रहा है। तो इसमें बात कर दिए मैं हरीश सराफ को और उनके बड़े भाई और उनके वालिदैन और उनके वालिद साहब को मैं और मेरे पार्टी के तरफ से विदर्भ वालों तमाम दिल के अभी कह रहा हूँ उनसे मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं मैं उनसे अपन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने टीचर की कदर करिए। इंशाल्लाह ताला इन बच्चों के अंदर कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS कोई PS जरूर बनेगा। आप लोग मेहनत करिए, जैसा कि हमारे हरी साहब भीतर से मेहनत करके एक बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं। मैं इन बच्चों से गुजारिश करता हूं कि कभी हम हिम्मत नहीं हारना। इंशाल्लाह ताला जैसा कि हरी साहब मेहनत करके आगे बढ़े हैं इन बच्चों में से भी इंशाल्लाह ताला गुलबर्ग से जरूर नाम होगा। Thank you for watching GoHash. Like, share, and subscribe our channel.